हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिहार बिजली बिल कनेक्शन जो होता है कि नॉर्थ बिहार साउथ बिहार का कनेक्शन स्टेटस चेक किस प्रकार करें, क्योंकि आजकल मतलब बढ़ते भीड़ भाड़ में सब चीज़ डिजिटल हो रहा है। तो अभी क्या है ना, जो भी आपका बिजली कनेक्शन है वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही ले सकते हैं बिना कहीं गए। सारा चीज़ मतलब डिजिटल माध्यम से हो रहा है। तो जो भी बंधु ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो हमारा अब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जान सकते हैं किस प्रकार से अप्लाई करना है, अगर आप ये उस वीडियो को नहीं देखे। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के बारे में, खास वीडियो में। चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद दोस्तों, पहले आपको NBPDCL का जो वेबसाइट होता है उस वेबसाइट पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करिए, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, NPDCL नॉर्थ बिहार इस तरह से आ रहा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है सामने। ये देखिए दोस्तों, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। हाँ दोस्तों, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप नॉर्थ बिहार से नहीं हो, साउथ बिहार से हो, तो साउथ बिहार का भी सेम इंटरफेस होता है और साउथ बिहार का भी सेम प्रोसेस है। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होता है। तो चलिए आज के वीडियो जो हमारा मेन फोकस है उस पर हम चलते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक न्यू करके आ रहा फॉर सुविधा कंज्यूमर एक्टिविटीज क्लिक हियर, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना। ये सुविधा कंज्यूमर एक्टिविटीज आपको मोबाइल फोन पे भी मिलता है, आप जाके प्ले स्टोर से आसानी से इसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं फोन में, या फिर आप मोबाइल पे डायरेक्ट इस वेबसाइट से एक्सेस करके जान सकते हैं। तो इस पे क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आता है, जहाँ पे कि आप जान सकते हैं कि न्यू विद्युत संबंध हेतु आवेदन करें, यहाँ से ही आवेदन होता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो और ऑनलाइन अपने से खुद से कर सकते हो। फिर दूसरे में देखिए, अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जाने, यहाँ पे है आपका स्थिति जाने, तो इसी पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसमें एक आपको एक नंबर मिलता है, रिक्वेस्ट नंबर, वो आप नोट करके रखना होता है, वो नंबर इसमें आपको सबमिट करना होता देना होता है। तो इस तरह से आप नंबर डाल लीजिए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ताकि और भी अच्छा वीडियो आपके सामने में मैं ला सकूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये रिक्वेस्ट नंबर डाल लेना, फिर व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। व्यू स्टेटस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, नाम आ रहा है, जो भी एप्लीकेंट का नाम है, फादर नेम आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, लोड आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, बाकी यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आवेदन जमा किया गया है, आवेदन जमा हो गया है, आवेदन की जांच प्रमंडल कार्यालय द्वारा हो चुका है। देन थर्ड स्टेज में आपका देखिए दोस्तों आता है दस्तावेज की जाँच, जो कि अभी ये नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, इसी अब यही अगला प्रोसेस होना है। ये हो जाने के बाद फिर यहाँ दोस्तों देख रहे हैं बकाया राशि है, इसमें जो दोस्तों हो रहा है उस पे देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का इसमें आ जाता है, तो ये फिर अगला प्रोसेस होगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा, बकाया राशि क्लियर होगा ग्रीन कलर होगा, तकनीकी फिजिबिलिटी होगा, परिसर में मीटर की स्थापना हो जाएगा, मीटर आपको लग जाएगा, फिर आपका मतलब बिलिंग यहाँ से चालू हो जाएगा। तो किसी भी तरह का स्टेटस जानना हो ऑनलाइन जो बिजली बिल बिजली कनेक्शन के लिए आप लोग किए हैं, तो यहीं से आप जांच कर सकते हो, देख सकते हो। बस दोस्तों, आज बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।